किस क्या मूड बना चुके हैं इस बार जिला परिषद में? रामवीर ठेकेदार। किसको वोट दोगे? रामवीर को दोगे। पक्की बात है? बिल्कुल साइलेंट है जी। अभी मन तो लोगों को भी थोड़ा ढगमगा रहे हैं, लेकिन मन अभी बनने रहा है, लेकिन मन बनने पे ही है। हमने मूड बनाया सर रामवीर ठेकेदार को वोट देने का, क्योंकि वो 5 साल से मेहनत कर रहा है, हर एक इंसान के घर भी जाता है, हालत के बारे में भी पूछता है। रामवीर की तरफ ही ध्यान है। उम्मीदवार तो एक और है आपके गांव से, मेहनत ज्यादा करी है और सही काम करी है। प्रथला विधानसभा के वार्ड नंबर 6 में इन दिनों जिला परिषद चुनाव को लेकर घमासान मचा है, तो वही उम्मीदवार भी लगातार लोगों के बीच पहुंचकर वोट्स की अपील करते नजर आ रहे हैं। पर ऐसे में वार्ड नंबर 6 के मोहना गांव में जिला परिषद पद के उम्मीदवार को लेकर जनता किसको अपना मत देगी? क्या है जनता का मूड? क्या कहते हैं मोहना के लोग? देखिए खास रिपोर्ट। चुनावी माहौल में जिला परिषद उम्मीदवार को लेकर के लगातार गांव-गांव में इस समय धुम्मा उठा हुआ है। क्यों? क्योंकि लगातार उम्मीदवार गांव-गांव जाकर के लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें वोट मिले, परंतु ऐसे में जनता का क्या मूड है? केएनएन मीडिया की टीम वार्ड नंबर 6 के मोहना गांव में समय में मौजूद है, और यहां जब हम मौजूद हैं तो तमाम लोग हमें इकट्ठा मिले, तो जान लेते हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है इस बार जिला परिषद को लेकर। बात कर लेते हैं, नाम क्या भी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सुंदर है सर। सुंदर जी, जिला परिषद उम्मीदवार में कई उम्मीदवार खड़े हैं आपके वार्ड में, किस तरीके का मूड बना चुके हैं आप इस बार? हमने मूड बनाया सर रामवीर ठेकेदार को वोट देने के लिए। क्यों? रामवीर में क्या है? क्योंकि वो 5 साल से मेहनत कर रहा है, हर एक इंसान के घर भी जाता है, हालत के बारे में भी पूछता है, वैसे भी कोई कमजोरी हालत होती है या कोई वैसे कोई कहीं आना जाना होता, सबके संग सहयोग करता है। सबके साथ सहयोग करता है जी। आप बताओ किसको मूड बना चुके हो? देखिए कैंडिडेट को देखेंगे, चल रहा माहौल सही चल रहा है। 5-6 कैंडिडेट आपने सारे देख लिए, कोई लगा अच्छा जो आपके काम कर सके, आपके वार्ड को चमका सके, आपके गांव के लिए विकास कर सके? गांव का विकास तो देखो अभी देख रहे हैं, अभी तो टाइम है, देखेंगे सही से। कुछ सारे में बहुत कुछ हो जाता नहीं, है। नहीं ऐसा भी देखेंगे अभी तो। अच्छा। अभी तो देखेंगे, गांव का भी खड़ा है, बाहर का भी खड़ा है, गांव से एक नहीं दो खड़े हैं। उम्मीद गांव से, गांव में से चुनौती करेंगे। चलिए आप भी गांव में से चुनेंगे? हां जी, गांव में कोई मिला है ऐसा अभी तक या खड़े होने वाले का इंतजार है? रामवीर ठेकेदार। रामवीर आप जी? रामवीर कई हस्तने आपको पौवा दे दिया हो? पप्पा पिया ही ना। अच्छा नहीं पीते? चलो बहुत अच्छी बात है जी। आप बताओ जी, आप किसको इस बार अपना उम्मीदवार जिला परिषद में चुनोगे? सरपंच जी छोड़ दो, जिला परिषद चुनोगे? रामवीर की तरफ ही ध्यान है। रामवीर की तरफ? क्यों? उम्मीदवार तो एक और आपके गांव से, ऐसे में तो फिर कहीं ना कहीं माहौल बदल जाए। मेहनत ज्यादा करी है और सही काम करे। रामवीर ने काम किया है, क्या काम किया है? पब्लिक सेवा में रहता है। पब्लिक सेवा में आप क्या कहेंगे? गाँव का माहौल है, पब्लिक सेवा में सारे ही उनकी अच्छी वो है। नहीं लेकिन ये इलेक्शन टाइम है, हम सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। नहीं जी, हम सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम किसी को क्लियर नहीं दे सकते अभी। नहीं अपना ओपिनियन अगर ये बताएं, अगर आपसे ये पूछे, आपसे ये पूछे कि कोई उम्मीदवार आपको सारे स्तर में कोई मिला है अच्छा? मिला है अच्छा, हमारे दिल में रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, दिल में रखा है बाबा। क्या कहेंगे इस बार, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? ऐसा जी समय बताएगा। हाँ बिल्कुल, समय बताएगा। कोई मिला है ऐसा? नहीं मिला। ऐसा गांव से बाहर से? समय ही बता दो जी। तो गांव से बाहर से? ये तो समय बता दो। दिल में तो तस्वीर होगी? दिल में तस्वीर मौके की है। मौके की है बिल्कुल। हाँ जी आप बताओ जी, सरकार आपके किसको वोट दोगे इस बार जिला परिषद? हमारा छोटा भाई हुकम खड़ा है, बघेल। अच्छा हुकम बघेल। हाँ जी, हमारा अच्छा भाई है। तो अपने घर के में देंगे हम, तो घर में दोगे? ठीक है। आप किसको दोगे भैया, वोट है आपकी? चलिए वोट शायद है, हो सकता कि नहीं हो। आप किसको दोगे? हुकम बघेल को। हुकम बघेल को आप किसको दोगे? सभी बताएगा। चलिए हुकम बघेल में ऐसा क्या खास है? हमारे घर का आदमी है। अच्छा घर का आदमी है। घर के आदमी के नाम पर वोट दोगे विकास के नाम पर? विकास तो कौन करे कौन ना करे, ये बात की तो कोई ये बात की बात है। बिल्कुल सही बात है जी। हाँ जी आप भी बता दो, हुकम बघेल या रामवीर या फिर राजू पने? विकास क्या कैंडिडेट को देखेंगे और जब मन बनाएंगे उसके हिसाब से देंगे। अच्छा कोई ऐसा मिला अभी तक? हैं हमारे गांव के कैंडिडेट सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं। चलिए भाई भी पहुंच गए मोटरसाइकिल पर। भाई किसको वोट दोगे इस बार अपना जिला परिषद में? जिला परिषद में हाँ। देखेंगे गांव बस्ती में, जो बढ़िया लगा फिर भी अच्छा लगा, क्योंकि आप युवा है, आपकी जनरेशन एक अलग है, अलग विकास चाहते हैं। कोई ऐसा उम्मीदवार नजर आया अभी तक? गाँव से भी खड़े हैं, बाहर से भी खड़े हैं। अभी कोई ना ऐसा सब रहे, एक साथ सब ऐसे। आप भी यही कहोगे भाई? वोट नो मेरी, वोट ही नहीं है यार। यार दाढ़ी मस्त आगे वोट बनाओ भाई, बनवाएंगे नोट आप गिरेंगे। नोट आप है? चलिए ये नोट आप गिरेंगे। और भी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, आप भी बता दीजिए।
सर ऐसा है कि हम तो पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमारे गांव का अच्छा आदमी होगा उसको वोट देंगे। चलिए, तो इस बार जनता का जो मूड है वो साइलेंट वोटर है, क्यों? क्योंकि माहौल गांव का अलग होता है, परंतु कहीं ना कहीं इशारों में जनता बहुत कुछ कहती है, परंतु बात अभी यही नहीं रुकेगी, बात अभी और चलेगी। गांव में और भी जनता से जानेंगे कि जनता विकास के नाम पर वोट देगी या परिवारवाद के नाम पर।